वेलकम टू होम कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। आज मैं बना रही हूँ अचारी चिकन कढ़ाई। ये बहुत ही मजेदार डिश है। अगर आपको अचार गोश्त या अचार के फ्लेवर की चीजें पसंद आती हैं, तो ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उनमें शामिल है, मुर्गी आधा किलो, 4 से 6 बड़े टमाटर, इन्हें बारीक चॉप कर लें, 2 दरमियानी प्याज चॉप हुई भी, तेल आधा कप, दरमियानी या बड़ी हरी मिर्चें 7 से 8 अदर, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, कुकर रस या सिरका 4 खाने के चम्मच, घर में मौजूद किसी भी अचार का मसाला 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, मेथी दाना 1/2 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच। सबसे पहले हमें अचार का मसाला तैयार करना है, इसलिए ड्राई फ्राई पैन में सौंफ, जीरा, राई, मेथी और अगर आपके पास साबुत धनिया भुना हुआ नहीं है तो वो भी इसी वक्त इसमें शामिल कर दें। मेरा साबुत धनिया भुना और कुटा है, इस वजह से मैंने इसमें शामिल नहीं किया। इसके बाद ये तमाम मसाले पीस कर इसमें भुना कुटा धनिया, कलौंजी, लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तैयार मसाले में से थोड़ा सा मसाला दूसरे बाउल में, फिर इसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर लेमन जूस या फिर इमली का रस या सिरका शामिल करके इसका पेस्ट तैयार कर लें। मिर्चों में चीरा लगाकर उसके अगर आप चाहें तो बीज अलग कर दें। मैंने बीज निकाल दिए क्योंकि मेरी मिर्चें बहुत तेज हैं। बीज निकालने के बाद तैयार अचारी पेस्ट इन मिर्चों में भर दें। इसी तरह से तमाम मिर्चें तैयार कर लें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनमें खट्टा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करें और इसमें प्याज शामिल कर दें। प्याज को इतनी देर फ्राई करें कि उसका रंग तब्दील हो जाए। इसके बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करें और इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लें। इसके बाद इसके अंदर चिकन शामिल कर दें और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लें। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद चिकन को ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। जब इसका कलर चेंज हो जाए तब आप इसके अंदर नमक, कुटी लाल मिर्च और टमाटर शामिल कर दें। साथ ही बचा हुआ अचार का मसाला भी शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1 मिनट तक इसी तरह से मिक्स करते रहें। इसके बाद ढक कर इसे 10 मिनट तक छोड़ दें। इसमें कोई पानी शामिल करने की जरूरत नहीं है, टमाटर खुद ही अपना पानी छोड़ेंगे और चिकन उसी में गल जाएगा। 10-12 मिनट के बाद लिड हटाएं और इसे अच्छी तरह से भून लें और साथ साथ चम्मच से टमाटर को मैश करते रहें ताकि तमाम टमाटर अच्छी तरह ग्रेवी में घुल जाए। जब सालन अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें थोड़ा पानी, लेमन जूस और अचार का मसाला शामिल कर दें। आपके घर में कोई भी अचार हो, मिक्स अचार, गाजर का अचार, केरी का अचार, किसी भी किस्म के अचार में से उसका मसाला निकाल के 1 चम्मच के बराबर वो इसमें शामिल कर दें। मैंने यहाँ पे हैदराबादी मिक्स अचार का मसाला ऐड किया है। 2 मिनट तक इसे फ्राई करने के बाद इसके ऊपर तैयार मिर्चें रख दें। अगर आप इसमें ज़्यादा शोरबा चाहते हैं तो इस वक्त आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दें। मैंने थोड़ी देर पहले इसमें तकरीबन 1/4 प्याली तक पानी ऐड किया था। मिर्चें डालकर इसे 10 मिनट तक दम पर छोड़ दें।
गर्मा गर्म नान या चपाती और सलाद के साथ सर्व करें। डिश आउट करने के बाद इसे हरे धनिए से और बारीक कटी अदरक से गार्निश करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।